सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट कैमरा मोबाइल अंडर 12,000, जहां पे आपको 12,000 के अंदर 108 मेगापिक्सल का 4K रिकॉर्डिंग कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बजट में बेस्ट कैमरा सेंट्रिक एक डिवाइस तो वीडियो में बने रहना, और मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्यूचर में ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको M6 प्लस। तो दोस्तों, इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो एक काफी प्रीमियम सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक डिजाइन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, और इसके साथ साथ इस डिवाइस की जो वेट है वो 205 ग्राम होने वाले है। तो डिवाइस थोड़ा सा हैवी है, पर यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है तो काफी प्रीमियम सा एक लुक देगा, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD प्लस लार्ज डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट में काफी कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो ब्राइटनेस के मामले में ये डिवाइस थोड़ा सा पीछे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1080x2460 पिक्सल रेजुलेशन। ग्लास की प्रोटेक्शन पे इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा पीछे है, पर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, कहने को तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पर उससे 2K या फिर 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो गया इसके कैमरा के फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, और इसके एंटूतु स्कोर 4 लाख की ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा और पावरफुल सा एक डिवाइस है, इस पे आप गेम भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। रैम रोम पे आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 5030mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। इस डिवाइस के अदर फीचर की बात करें तो सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, NFC नहीं मिलेगा, और ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों, डिवाइस फीचर काफी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इस डिवाइस के आपको 2 वेरिएंट मिलने वाला है, 6GB 128GB, जिसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 12,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500 है, वहां पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले आईटेल की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस आईटेल S24, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस की बैक पैनल की कलर ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। हाँ दोस्तों, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी बात है। वही पे बात किया जाए इस डिवाइस की वेट की, तो यहाँ पे आपको 192 ग्राम वेट होने वाला है। डिवाइस की थिकनेस है 8.3 mm। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाले। वही पे बात किया जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा विथ 480 नीट पिक ब्राइटनेस। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 720x1612 पिक्सल रेजुलेशन। तो डिस्प्ले भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा है। वह बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक
ऑक्सिलरी लेंस भी मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फोन कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट जो एक 4G चिपसेट है, मतलब ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको 5000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा जिसको चार्जेगा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों वहीं पे सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी सभी छोटी मोटी फीचर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 पर। हाँ दोस्तों एंड्रॉइड 14 होता तो और भी अच्छा होता, पर बजट सेगमेंट के हिसाब से ये भी ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों यही सब कुछ मिलने वाला है इस डिवाइस पे। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक ही ब्रांड मिलने वाला है 8GB 128GB जिसके करंट टाइम पे प्राइस 11,000 आपको दिख रहा है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9X जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी 5.1 की हिसाब से काफी शानदार है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ा मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात किया जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो डिवाइस काफी पावरफुल है। यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट जिसके एंथ्रेडो स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी तगड़े डिवाइस है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विद 44W फास्ट चार्जिंग जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात ये है इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो यहाँ पे आपको 3 ब्रांड मिलेगा जहाँ पे बेस ब्रांड 4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000 जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की बात इसकी जो बेस ब्रांड उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते।